मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास फर्स्ट। टुडे सब्जेक्ट इज मैथ्स एंड चैप्टर नंबर इज 4 एंड चैप्टर नेम इज सब्ट्रैक्शन अप टू 10। इस लेसन में कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि सब्ट्रैक्शन क्या होता है। जब हम किसी नंबर से कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करते या घटाते हैं तो उसको सब्ट्रैक्शन बोलते हैं। अब आज हम इसमें देखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट करने के प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले सब्ट्रैक्टिंग वन, यानी कि किसी नंबर में से ओनली वन नंबर को क्या करना, सब्ट्रैक्ट करना। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या लिखे हैं, कितने फ्लावर्स हैं, 4 1 2 3 4। 4 में से क्या किया, 1 हटा दिया, तो यहाँ पे कितने बचे हमारे पास, 3। जैसे 4 - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पे कितने हैं, 6 1 2 3 4 5 6। 6 है, 6 में से 1 माइनस करना है तो 1 माइनस कर दिया, कितने बचे, 1 2 3 4 5, कितने बचे हो गए, 5। तो आप सबने समझा कि सब्ट्रैक्टिंग 1 क्या होता है, यानी किसी नंबर से केवल 1 को माइनस करना तो वो क्या होता है, सब्ट्रैक्टिंग 1 होता है। इसमें हम नीचे देखेंगे सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। यहाँ पे 9 है, 9 में से क्या करना है, माइनस 1 करना है, तो 9 में से माइनस 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 8। तो हम क्या करेंगे, 8 को बॉक्स में लिख देंगे। इसके बाद है यहाँ पे 3, 3 में से माइनस 1 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 लिख देंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह देखेंगे बच्चों यहाँ पे क्या है, 6 है, 6 में से माइनस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5। तो हम 5 यहाँ बॉक्स में लिखेंगे। ऐसे ही आपको ये और ये खुद करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टीज़ होती है सब्ट्रैक्टिंग 0, यानी कि किसी भी नंबर से 0 को माइनस करते हैं तो क्या आता है, वही नंबर आता है जो हमारे पास पहले होता है। जैसे हमारे पास कितने अम्ब्रेला है, 5 1 2 3 4 5। अब 0 मीन्स होता है एक भी नहीं, तो जब हम इसमें से एक भी अम्ब्रेला नहीं हटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 5 बचेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे क्या जाएगा, 5 आ जाएगा। ऐसे ही इसमें देखेंगे यहाँ पे हमारे पास कितने टिफ़िन है, 3 1 2 3। अब 3 में से 0 यानी कि एक भी टिफ़िन नहीं हटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे, 1 2 3। तो 3 - 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए बच्चों सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। अब यहाँ पे हमें सॉल्व करना है, 1 - 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी भी नंबर में 0 माइनस करते हैं तो क्या होता है, वही नंबर हमें मिल जाता है। इसके बाद है 2 - 0, तो क्या हो जाएगा, 2 - 0 इक्वल टू 2। 7 - 0 इक्वल टू 7। ऐसे ही यहाँ पे 8 - 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 9 - 0 इक्वल टू 9 हो जाएगा, और 10 - 0 इक्वल टू 10। यानी कि जब हम किसी भी नंबर में 0 माइनस करते हैं तो हमें क्या नंबर, वही नंबर दोबारा मिल जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद है सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर फ्रॉम इट्सेल्फ, यानी कि जो नंबर दिए हैं उसमें से वही नंबर माइनस कर दे तो हमें क्या मिल जाता है, 0। जैसे यहाँ पे हमारे पास फ्लावर कितने हैं, 1 2